दिवसों के अवसर पर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के तहत एनएमसी और मैट्रिक्स वॉरियर्स संगठन 11 से 15 अगस्त तक शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैश मॉब और नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन करेंगे। इस पहल में युवाओं के भागीदारी से पूरे शहर में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का माहौल बनने की ये एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्घाटन मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा किया गया। इस अवसर पर नागपुर नगर निगम के छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक भवन के सामने और शाम को स्वामी विवेकानंद मेमोरियल अंबाझरी में संगठन के युवाओं ने फ्लैश मॉब और नुक्कड़ नाटक किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त दीपक कुमार मीना, राम जोशी मुख्य अभियंता, प्रदीप खवले अधीक्षक अभियंता, मनोज तालेवार उपस्थित थे। नगर आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी मैट्रिक्स वॉरियर संगठन के अध्यक्ष आदित्य खोबरागड़े को तिरंगा सौंप कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को लागू करने के लिए 11 से 15 अगस्त तक नागपुर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैश मॉब जागरूकता श्रृंखला आयोजित की जाएगी। मैट्रिक्स वॉरियर संगठन के युवाओं ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य किया। उन्होंने गणेश जी की पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात देशभक्ति गीतों पर मनमोहक डांस भी प्रस्तुत किया गया। उसके बाद वंदे मातरम भारत माता की जय की घोषणा कर कार्यक्रम की घोषणा की गई। भारत माता की वंदे वंदे। अतिशय चांगला तुम्ही सर्व मुलांनी खूपच चांगला फ्लॅश मॉब केले होते। इतकी मेहनत त्यांनी घेतलेली आणि एवढा एनर्जी आहे, मला वाटतो याचा 10-20% तरी आपल्या सर्वांमध्ये घेतलंय। आपण खूप चांगलं अजून का चांगलं काम करू शकतो। आय विश यू ऑल फंट आय कंग्रॅच्युलेट एव्हरी वन, आय विश यू ऑल द बेस्ट। मला वाटतं तुमच्याकडून जो होणारे जे संदेश आपल्या नागपूरांचा सर्व माणसांपर्यंत पोहोचणार आहे, मला 100% खात्री आहे। तुम्ही सर्वांनी मनापासून या फ्लॅशमॉबमध्ये पार्टिसिपेट केलं, मी प्रत्येकांचं मी बघत होतो। एव्हरीबडी हॅड गिव्हन देअर 100%, कोणी 1% सुद्धा कमी दिलेली नाही आहे। खूपच चांगला तुमचा सगळ्यांचा मेहनत त्याच्यामध्ये दिसत होते। आय विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल युअर फ्युचर एंडेवर्स। आणि महापालिकेकडून तुम्हाला जे काही मदत लागेल ते सगळं आपण करणार आहोत। पुढचे 4-5 दिवस आपल्या शहराचं संपूर्ण कोणेकोणे पण जाऊन आपण सर्वांनी या झेंड्याचा महत्वाचा संदेश, हर घर तिरंगाचा जे आपल्या कॅम्पेनचा एक कॉर्नरस्टोन म्हणून, आपला जे अम्बॅसेडर म्हणून आपण सर्वांनी काम करणार आहे। आपण पूर्ण महापालिका तुमच्या पाठीशी आहे। आपल्या सर्वांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। 75वा आपला आझादीचा अमृत महोत्सवाच्या निमित्त प्रत्येक नागरिकांना, प्रत्येक आपल्या मुलांना, सर्वांना, आपल्या जे स्टुडंट्सला सर्वांना मी शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एनबीसी न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।